वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल डेली करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग आज फर्स्ट ऑफ मई के इम्पॉर्टेंट डिस्कशन पे हैं और ये जो करंट अफेयर्स में आप तक पहुंचाता हूं बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके स्कोर को मैक्सिमाइज करने में। तो 2023 के मई के मंथ में हम लोग एंटर्ड कर गए हैं और किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप ले लें, चाहे बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम हो या किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, इन सभी में बहुत बहुत ज़रूरी है ये सभी क्वेश्चंस। और आज आप पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। आज का पहला सवाल कि कमिंस ने भारत में कम से कम शून्य उत्सर्जन प्रौद्योगिकी उत्पादों की श्रेणी के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है। ये साझेदारी टाटा मोटर्स के साथ हुआ है, तो टाटा मोटर्स और कमिंस का साझेदारी हुआ है शून्य उत्सर्जन के लिए। किस बैंक ने गोदाम रसीद के बदले छोटे किसानों को वित्त देने के लिए आर्य एजेंसी के साथ साझेदारी की है, और यह बैंक कौन है? शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। रतन टाटा को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ये उनको ऑस्ट्रेलिया से दिया गया है। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच संबंधों को और सुधारने के लिए ये सम्मान उनको दिया गया है और यह बहुत गौरव की बात है। कौन सा राज्य 3 दिवसीय विरासत महोत्सव आयोजित किया है, और यह राज्य कौन है? गोवा है। किस संस्था ने अपने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है, और यह संस्था कौन है? आईआईटी कानपुर है। अर्जुन वाजपेयी किस पर्वत शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं, और पहले भारतीय व्यक्ति ये माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने हुए हैं। कौन सा भारतीय रेसर ब्रिटेन F4 चैंपियनशिप में पोडियम पर समाप्त करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है, और ये कौन है? जेडन पैरियट। फर्म मशीनरी प्रौद्योगिकी पर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन अप्रैल 2023 में हुआ था, यह किस निकाय द्वारा आयोजित किया गया था? ये CII के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसे हम लोग भारतीय औद्योग परिसंघ भी बोलते हैं। यह नई दिल्ली में CII और ट्रैक्टर एंड मैकेनिज्म एसोसिएशन TMA द्वारा आयोजित किया गया था, तो इन दोनों का आपको नाम याद रखना है। नई दिल्ली में SCO रक्षा मंत्री की बैठक हुई, किस देश के रक्षा मंत्रियों ने इस बैठक में भाग लिया है? इसमें चीन के, कर्जिकिस्तान, रूस, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सभी के रक्षा मंत्रियों ने बैठक लिया, तो याद रखिएगा ये नाम, बहुत बार क्वेश्चन आता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, और यह प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्शन था फर्स्ट ऑफ मे का। इंपॉर्टेंट कलेक्शन के लिए सब्सक्राइब कर लेना KS एजुकेशनल हब को, और साथ में नोटिफिकेशन बेल दबाना, लाइक करना और शेयर कर देना इसे, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चंस।